बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग मैथ सिंध क्लास 9 मॉड्यूल पेपर 1 2023 का सेक्शन सी फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 12 है, इसका पार्ट 1। अच्छा, अब देखें, ये वहाँ पर फार्मूला है। हमारा फार्मूला है जनाब, ए स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो ये फार्मूला है यहाँ पर, और दूसरा फार्मूला हम यूज़ करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है, एक दफ़ा हम प्लस के साथ लिख देते हैं और एक दफ़ा माइनस के साथ लिख देते हैं। ये फार्मूले दोनों यहाँ यूज़ होंगे। अच्छा, अब देखें, अब इसको हम ले सकते हैं एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। अच्छा, इसको भी हम स्क्वायर बना दें तो क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर 3z होल स्क्वायर। अब देखें, हमारे पास ये फार्मूला लग गया, तो एक दफ़ा हम ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो ए प्लस बी लिख लेंगे। तो ये हो गया एक्स प्लस वाई, ए हो गया और प्लस बी 3z स्क्वायर। और फिर हम लिख लेंगे एक्स माइनस वाई, तो इसका मतलब ए माइनस बी, यानी कि ये ए क्या आ गया और ये डिफरेंट साइन का एक माइनस के साथ। तो ये हमारा आंसर आ गया। चलिए अब हम पार्ट टू की तरफ, पार्ट थ्री की तरफ चलते हैं। अब यहाँ देखें, हमारे पास फार्मूला हमने कौन सा यूज़ करना है। हमारे पास फार्मूला है एक्स क्यूब प्लस 3x² y प्लस 3xy² प्लस y³, ये किसके कुल होता है, एक्स प्लस वाई होल क्यूब के। अब देखें, इसको हम क्या करेंगे, सबसे आसान मेथड है कि हम सबसे पहले यहाँ देखें, हमें इसलिए पता चल रहा है, देखें ये फार्मूला यूज़ होगा, यहाँ क्यूब है फिर स्क्वायर है, कि पावर ना ये कॉन्स्टेंट है, इसका मतलब ये हमारा एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई होल क्यूब का फार्मूला है। अब यहाँ सबसे पहले हम क्या कर दें, यहाँ हम लिख दें क्यूब, फिर यहाँ 3 लिखे, फिर एक ब्रैकेट स्क्वायर के साथ लगा दें, फिर 3 लिखा, फिर इसका यहाँ स्क्वायर कर दें और फिर ये क्यू आ गया और ये हमारा होल क्यूब आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, देखें सबसे पहले हम इसका क्यूब रूट लेंगे, हमने क्या लेना है क्यूब रूट, तो क्यूब रूट क्या आ जाएगा 2x आ गया। अच्छा, फिर हमने इसका भी क्यूब रूट लेना है 27 का, तो ये क्यूब रूट क्या आ जाएगा इसका, ये 3 आ गया। अच्छा, 3 हमने यहाँ लिख देना है। अच्छा, यहाँ पे पहले क्या 2x, यहाँ 2x आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा ये 3 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 2x आ जाएगा, फिर ये 3 आ जाएगा। अच्छा, अब हमने क्या करना है, तब यहाँ से हमने लेना है ये क्या आ गया हमारे पास 2x आ गया, जो ब्रैकेट के अंदर है, यहाँ 3 आ गया, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 2x + 3, ये हमारा आंसर आ गया। अगर वीडियो आपको पसंद है लाइक करें, शेयर करें, और कोई आपके रिक्वायरमेंट्स तो उसको कमेंट्स बॉक्स में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।